बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मलिक साजिद बिलाल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रगुज़ार उन दोस्तों का जो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए वो ज़िंदगी क्या है। अपने लिए तो सब जीते हैं, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो याद रखा करें अपने अड़ोस पड़ोस, आएँ बाएँ, कोई भी आपको परेशान हाल बंदा नज़र आए तो कोशिश किया करें कि उसकी कुछ ना कुछ खदमत ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक जो है जी, वो है पाकिस्तान में जो कह रहे हैं कि जी बहुत सारे कर्ज़े मिल रहे हैं और कर्ज़े गरीबों को घर बनाने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कर्ज़ा कैसे मिलेगा, ये शर्तें जो मैं सुन रहा हूँ, मेरा तो मैं तो मतलब कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कर्ज़े का मतलब होता है बैंक में जाए और आप कर्ज़ा ले लें। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपका आपके वज़ीर आज़म को पता है, आपकी गवर्नमेंट को पता है कि आपके पास घर नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो इसीलिए तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर ये उनको पता है भी तो उसके बाद वो कहते हैं जी बैंक की सैलरी होनी चाहिए, स्लिप होनी चाहिए। तो हर बंदे का तो पाकिस्तान में तो अकाउंट खोलना ही मुश्किल है। यानी सबसे मुश्किल जो है वो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ अकाउंट खोलना ही मुश्किल है। रशिया में चला जाए 5 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है। आप गैर मुल्की होते हैं तो आप अपने मुल्क में रहकर अकाउंट नहीं खुला सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक जो है वो किसी का अकाउंट फौरी खोल दे। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या लाते हैं, क्या ले जाते हैं, इस किस्म के सवाल आपके साथ करेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं कोई मशकूक हूँ और मैं थाने में आ गया हूँ और मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है अकाउंट खुलाने में। भाई एक बंदा आपसे अकाउंट खुला रहा है, आपके बैंक में पैसे रखना चाहता है, आप उसकी हेल्प करें बजाय हेल्प करने के आप उसके साथ इस तरह के सवाल जवाब शुरू कर देते हैं कि वो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। तो अब हर बंदे की सैलरी स्लिप तो नहीं है कि वो जॉब कर रहा है, यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है कि जो सैलरी वो बैंक के ज़रिए मिलेगी। जब किसी का अकाउंट ही नहीं है तो बैंक से सैलरी कैसे मिलेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि हर बंदे को अलाव होना चाहिए कि वो अपना अकाउंट खोल सके। जब अकाउंट खुल जाएगा तो उसके अलावा उसमें जो भी आएगा फिर वो बैंक रिकॉर्ड में तो होगा ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जी गरीबों के लिए ये कर्ज़ा है, गरीब घर बनाए, तो घर घर कैसे बनेंगे? घर नहीं बन सकता, कभी पूरी ज़िंदगी में गरीबों का घर नहीं बन सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो शर्तें रखी हुई हैं उसमें तो जो लो तबका वो तो आता ही नहीं, ना उसमें छाबड़ी लगाने वाला आता है, ना दिहाड़ीदार आता है, ना रंग करने वाला आता है, ना जनाबे अली कोई रक्षा चलाने वाला आता है, ना उसमें कोई टैक्सी चलाने वाला आता है। उसमें तो कोई बंदा है तो गरीब तो ये लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल किराए पर रह रहे हैं, ये लोग हैं वो। इनको अगर सहूलत इनको अगर मकान नहीं मिलेगा तो फिर फायदा फिर कौन से गरीब हैं? मेरी समझ से बाहर है कि फिर और कोई गरीब है, और तो फिर कोई गरीब है ही नहीं। सुबह सुबह लोग जाते हैं सड़क पर जाके बैठ जाते हैं कि दिहाड़ी लग जाए, तो मकान तो उसको चाहिए। सब्ज़ी मंडी में लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वो किराए पर रहते हैं, मकान तो उनको चाहिए। रक्षा ड्राइवर है, मकान तो उसको चाहिए। तो जब इन लोगों को मकान नहीं मिल रहा तो वो कौन से गरीब हैं जिनको मकान मिलेगा? मेरी समझ से बाहर है भाई। हुकूमत को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, उसे हर आदमी को घर देना चाहिए। क्योंकि अगर पुल बन सकते हैं, ब्रिज बन सकते हैं, मेट्रो बन सकती है, उस पर इतना पैसा लग सकता है, इमरान खान हॉस्पिटल बन सकता है, तो ये घर भी बन सकते हैं। दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट जितनी भी कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों के साथ जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनसे बात की जाए। ये बड़े बड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जियो है, जायज़ सिम वाले हैं, इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो डोनेशन दे सकते हैं, हज़ारों क्या लाखों लाखों रुपया जो है ना वो लगा देते हैं कमर्शियल पर, एक मशहूरी के ऊपर, तो वो घर नहीं बना के दे सकते, घर के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट किसी को कर्ज़ा देगी। बस आए दिन खबरें आ रही हैं कि जी 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, 35 लाख मिलेगा। मुझे अभी तक कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आया
मैंने पाकिस्तान टेलीफोन करके पूछ लिया, एक दो दोस्तों ने कहा जी यहाँ तो किसी को पता ही नहीं करता होता कि आप हमें बता रहे हैं। यूट्यूब पे लोग यूं डाल रहे हैं इसकी, बार बार डाल रहे हैं, टिकटॉक पर डाल रहे हैं, कर्जा मिल रहा करता। भाई कहाँ कर्जा मिल रहा है? कोई कर्जा वर्जा मैंने तो नहीं अभी तक सुना कि किसी को कर्जा मिल रहा है। कर्जा मिलना चाहिए, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानियों का हक है। हम ओवरसीयर्स हैं, हम पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, हमें भी मिलना चाहिए। सारी ज़िंदगी हमने बाहर गुजार दी है, जो कुछ भी होता है हम पाकिस्तान भेजते हैं तरबादला। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह लोग कर्जा ले पाएंगे। बैंक वालों का पूरा शेड्यूल आ गया जी कि बंदे की सैलरी होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। भाई जब बंदा पाकिस्तानी है तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो? उसका आईडी कार्ड है, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो? उस तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो इसी कब्रस्तानों में, पाकिस्तान के कब्रस्तानों में दफन हुए हैं, तो पीछे सबूत क्या रह गए? तो खुदा करे कि लोगों को कर्ज़ा मिलना शुरू हो जाए। तो हमें याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर दिल करे, आपका दिल कर पड़े, कोई ज़ोर नहीं है, तो चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।